हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का फिफ्थ पार्ट। फोर पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और वो वीडियोस भी इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैथमेटिक्स एसएससी मैथमेटिक्स 2018 की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे दुकानदार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं बेईमान दुकानदार से संबंधित। वहाँ पर प्रॉफिट पूछता है या फिर लॉस पूछता है और यहाँ से कम एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 30% का कम वजन प्रयोग करता है और लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए वो 1000 ग्राम उसके पास है, ठीक, और वो 30% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि 1000 में वो आपको दे रहा है 700 ग्राम। ठीक, आपने लेना है 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो, लेकिन वह आपको 30% कम दे रहा है यानी कि 700 ग्राम दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पर निकालना है, तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 300 और अपॉन में रखेंगे बेस वैल्यू यानी कि 700 ग्राम और 700 ग्राम इंटू 100, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस, ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं इसको सेलिंग प्राइस, ठीक। और जब प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे और नीचे रखते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 300/7 यानी कि 7 चौक 28, बचेगा 2 और 7 दूनी 14, ठीक, बचेगा 6, 42, सही 6/7% आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, 42 सही 6/7 आंसर यहां पर आ जाता है। ठीक, समझ में आया। हमने 1000 ग्राम लिया, 1000 ग्राम में अब उसको 30% कम दिया यानी कि 700 ग्राम और इन दोनों का डिफरेंस रखा 300 और नीचे रखेंगे बेस वैल्यू 700 × 100 और इसको सॉल्व करेंगे 300/7 यानी कि 42 सही 6/7% प्रॉफिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना होगा, ध्यान देंगे कि 1 किलोग्राम यानी कि वही 1000 ग्राम हमारे पास है, उसमें से 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है यानी कि वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम, ठीक, तो उसका प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। ठीक, तो इसको कॉस्ट प्राइस भी मान सकते हैं अगर रुपये में बात आ रही है, परसेंटेज में बात आ रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि 1000 ग्राम था, 960 ग्राम का उसने प्रयोग किया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40 यानी कि 40, नीचे रखेंगे बेस वैल्यू 960 और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल और ये कट जाएगा 24 बार में 24 चौका 96 और इसको फिर काट लेते हैं हम 4 से 4 6 24 और 4 से 25 बार में, तो ये जाएगा 25/6 और 4 सही 1/6% हमारे पास आंसर आ जाएगा यानी कि 4 सही 1/6% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो यहां पर 1000 ग्राम यानी कि हमने 960 ग्राम देना है, तो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 40 अपॉन बेस वैल्यू यानी कि 960 ग्राम इंटू 100 और इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके 4 and 1/6% प्रॉफिट आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु वह 30% वजन कम तोलता है, तो उसकी हानि परसेंट क्या होगी। यहां पर लॉस परसेंट हमें निकालना है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें हानि परसेंट निकालना है, तो हम क्या रखेंगे, वही 1000 ग्राम रखेंगे सबसे पहले। ठीक, 1000 ग्राम रखा हमने और वह 30% कम तोलता है,
ठीक 30% कम का मतलब यानी कि 700 ग्राम, और 44% उसने हानि पर भी बेचने की बात करी है। 44% हानि यानी कि 1000 का 44% होगा 440, और 440 को जब आप 1000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 560। समझ में आया? ठीक, 1000 ग्राम है, उसने कहा 30% तो कम वजन तोलता है, तो 30% इसने यहां पर कम वजन तोला, यानी कि 1000 का 30% 300 हमने माइनस किया तो ये हो गया 700। 1000 में फिर 44% हानि पर बेचने की बात कर रहा है, तो 1000 का 44% यानी कि 440 हमने यहां से माइनस किया तो ये आ गया 560। ये हो जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, यहां तो लॉस ही हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, विक्रय मूल्य हमारा कम है, यहां पर 560। क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 140, 140, और जैसे कि रखते हैं कॉस्ट प्राइस 700 गुणा 20 से 20 कैंसिल, 7 × 14 20, 20% हमारा आंसर आ जाएगा, 20% आंसर हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, यहां पर 20% लॉस आंसर आ गया। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। ठीक है, अब फिर वही चीज देखिए, करने का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा फेर बदला है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही काम कर रहा है। 1000 हमने रखा, ठीक, तो उसने सबसे पहले क्या कहा, 10% लाभ पर बेच रहा और 20% कम वजन, तो 20% कम वजन का मतलब हो गया 800 ग्राम, इसको हम कॉस्ट प्राइस भी मान सकते हैं 800 रुपये, और 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट इसका मतलब 100 जोड़ेंगे इसमें, यानी कि ये बन जाएगा 1100। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ही होगा, इसको इसमें से घटाएंगे, 1100 में से 800 कितना होगा, 300, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 800 × 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से काट लेते हैं, 4 × 8 4 × 7 = 28 4 × 5 = 20 75/2 और 75/2 का मतलब कितना होगा, 37 सही 1/2% 37 1/2% यहाँ पर प्रॉफिट हमारा आ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा इस टाइप से सॉल्व हो जाता है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन हमारा 37 1/2% आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x प्रतिशत लाभ पर बेचता है परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37 1/2% लाभ कमाता है, तो x का मान क्या होगा। अब इस बार इन्होंने प्रॉफिट हमें ये दे दिया, लेकिन जो फर्स्ट जो उसने यहाँ पर लाभ है वो हमसे पूछ लिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1000 हमने माना, 20% कम वजन, वो तो सीधी सी बात हो जाती है, 20% अगर कम वजन है तो 800 ग्राम यहां पर ये ले लेंगे हम। ठीक है, और 1000 ग्राम है तो इसको हम 1000 रुपये भी मान लेते हैं, यहां पर 1000 ग्राम है, 1000 रुपये की मान लेते हैं। ठीक, अब x परसेंट लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन तोलता है, तो 37 1/2, अब 37 1/2% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 37 × 2 और 1 ये 75/2 परसेंटेज नीचे 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 75 25 × 100 यानी कि 3/8 ये आ जाता है। अब 3/8 आ जाता है तो 8 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो यूनिट है या जो चीज़ें हैं वो हम 8 मान लेते हैं, तो 8 चीज़ों की कीमत बन रही है 800 रुपये। ठीक है, 8 हैं 800 की, तो अब 8 और 3 टोटल होगी 11, 11 कितने की होंगी, 1100 की होंगी ना, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1100, यानी कि इसमें 100 की वृद्धि करी हमने। ठीक, इस 3/8 आया हमारा, जो 37 1/2% दिया था इसको हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 3/8 हो गया, 8 हो गया, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 8 यूनिट यानी कि 800 रुपये की। ठीक, 8 और 3 11 यूनिट हो गई, यानी कि
1100 रुपए की, ठीक। तो उसमें हमसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है, तो x परसेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का, क्योंकि परसेंटेज तो यहां पर आएगा ना, यहां पर जो आता है 800 और 1100 में जो आता है वो तो ये आता 37 1/2, हमें तो 1000 और 1100 के बीच का परसेंटेज निकालना है, यही तो x परसेंट निकलेगा। तो ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 100 × 100 और नीचे 1000 000 0 और ये 0 0, 10% यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन था कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x प्रतिशत लाभ पर बेचता है और वह 20% वजन कम तोलता है और 37 1/2% लाभ कमाता है, तो x का मान क्या होगा। हमने 1000 ग्राम टोटल मान लिया उसका वजन है और 1000 रुपए की ही मान लेते हैं। अब उसने 20% कम तोला तो यानी कि 800 ग्राम हो गया, ठीक। यहां पर इसको मान लेते हैं हम 1000 रुपए की, ठीक। और जो टोटल पर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 37 1/2 यानी कि 37 × 74 1/75 परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसको कैंसिल कर करा के इसको कैलकुलेट करके 3/8 हो जाएगा, ठीक। तो 3/8 है तो यानी कि 8 यूनिट तो हो गई हमारी 800 रुपए की, ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ये वाला क्रय मूल्य है ना, ठीक। 8 हो गई 800 की, तो 11 यानी कि 8 और 3 11 कितनी होगी 1100 रुपए की, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1100 रुपए, जो पहले था 1000 रुपये, 1000 से 1100 रुपये यानी कि 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है वो अपने निकाल लिया, 10% यहाँ पर आंसर आ जाएगा x का मान, ठीक है, समझ में आ गया। एक इसी टाइप का क्वेश्चन ये है हमारे पास 6th क्वेश्चन, इसको और समझ लेते हैं, थोड़ा और आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये 5th था 5th कंप्लीट हो गया, 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम 1000 ग्राम रखेंगे, क्या कीमत रखेंगे, 1000 रुपये ही रखेंगे, और फिर 20% कम यानी कि यहाँ पर 800 ग्राम हो गया, ठीक। अब ये वाला रेट पहले हमें निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20% का लाभ कमाता है, 20% का मतलब हो गया 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5, तो 5 यूनिट यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 किसके बराबर है, 800 के बराबर है, तो 5 और 1 6 कितने के बराबर होगा भाई, 5 800 के बराबर है यानी कि 160 के बराबर हो गया ना 1, चलिए पहले 1 ही निकाल लेते हैं, 1 हो गया 800/5 यानी कि 160 और 6 कितने के बराबर हो गया, 160 × 6 यानी कि 960 के बराबर हो गया, तो 960 उसका हो जाता है क्या, सेलिंग प्राइस। अब 1000 की चीज 960 में बिक रही है तो इसका मतलब यहां तो लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक। कितने की हानि हो रही है, 40 की हानि हो रही है, हानि प्रतिशत आप बता दीजिए, हानि प्रतिशत बराबर होगा 40/1000 × 100 4% हानि आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया 4%, ये x का मान निकाला है हमने, ठीक है ना। और देख भी लेते हैं यहां पर, हाँ हानि ही दे रखी है, x परसेंट हानि पर बेच रहे, तो x का मान हमारा 4% हानि हो जाता है। बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन है जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया था, 5th और 6th क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क क्या हो जाता है, यहां पर प्रॉफिट है x परसेंट और यहां पर x परसेंट लॉस दिया हुआ है, ठीक है गाइज। तो समझ में आ गई है आपको, 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। 7th नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है उसकी, बिल्कुल सिंपल। आपको करना क्या है, 720 रुपये जो रेट दिया हुआ है जिस पर उसे सेल करना है वो रखेंगे और नीचे रखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, 17 गेंदों का और 5 गेंदों का डिफरेंस रखेंगे 720, नीचे रखेंगे 17 − 5 यानी कि 12 12 6 72 60 रुपये उसका प्राइस आ जाएगा प्रति बॉल,
प्रति बॉल जो लागत मूल्य आएगा वो 60 रुपये आ जाता है। 720 रखा, दोनों का डिफरेंस और इसको सॉल्व कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12×72, 60 यानी कि 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपको यही सब क्वेश्चंस कराने थे, 7 क्वेश्चन, और अभी इस पर एक पार्ट और आना है। 5 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एक 6 पार्ट और आएगा और उसमें हम बाकी बचे हुए प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इनमें बताई हुई ट्रिक्स आपके समझ में आई होगी। ठीक, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।